सीडी बखला नगर पंचायत अध्यक्ष मौजूद है, अपनी क्रांतिकारी विचारधारा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करेंगे। वॉलंटियर्स पहले तैयार रहे रैली का अगुवाई करने। आज इस विशेष अवसर पर इस आदिवासी महासभा के इस मंच पर जो ऐतिहासिक रूप लेने जा रहा है, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। सोने से तन भरता है, मन नहीं भरता। सोने से तन भरता है, मन नहीं भरता। रब खुलता है, दिल नहीं खुलता। आज दिल खोल के आप सबका स्वागत है। बजाइए ताले। आज दिल खोल के आप सबका स्वागत है। अभी हम लोगों ने हमारे विभिन्न वक्ताओं के द्वारा हमने सुना और सबने बहुत अच्छे ढंग से बताया और हम सबको समझ आ गया। और हमने जिनका पूजन किया, वंदन किया, हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, उन्होंने संविधान बनाया जिस तरह से हमारे लिए गीता कुरान बाइबल हमारे जीवन में अहम भूमिका रखती है, उसी तरह से हम भारत वर्ष के एक एक नागरिक के लिए ये संविधान एक हमारी आत्मा है। आज हमको संविधान को बचाना। मैं बोलूंगा संविधान के सम्मान में डीलिस्टिंग के विरोध में, संविधान के सम्मान में डीलिस्टिंग के विरोध में। आइए हम नारा लगाएं, संविधान के सम्मान में डीलिस्टिंग के विरोध में, संविधान के सम्मान में डीलिस्टिंग के विरोध में, संविधान के सम्मान में डीलिस्टिंग के विरोध में। अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने सुना और जिस तरह हमको समझ में आ रहा है, जिस तरह से ये हमारी आत्मा है हमारे हर एक नागरिक की, और इसी के अनुरूप देश का संचालन किया जाता है। हम सब यदि आजाद पंछी की तरह यहाँ है तो संविधान के बदौलत जिस तरह से बताया गया, हम एक एक के लिए सांस लेने के लिए, आदिवासियों के हक, उनकी सुरक्षा, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए जिस तरह से अनुच्छेद हमने सुना 342 को हमने सुना, 342 का कंडी का एक क्लॉज एक, क्लॉज वन के तहत हमको यह अधिकार दिया गया है। और अभी हमने सुना खुजूर साहब ने बहुत, डॉक्टर खुजूर साहब ने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि हम सब आदिवासी, जो हमारे पुरखे थे हम आदिवासी हैं, आदिवासी हमारे प्रकृति पूजक है, प्रकृति को पूजने वाले। और आज हमारी पूजा पद्धति भर हमारी बदल गई है, बाकी हमारा रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, रीति विधि, रूढ़िवादी परंपरा आज हमारी वैसे ही है। आज यदि ईसाई बन भी गए हैं तो हमारा रहन सहन, खान पान, गीत गोपन संस्कृति, बहन ने अभी तुरंत फुर्रे करके गाना गाया, हमारा खान पान वैसे ही है। इतिगे मारुगे अंगिम का धारा में जासा पुराने माची के, मारुगे अंगिम का धारा में नागा पुराने माची के, मंडी कट्टुनी बीराई भैरतावा कोमयाड़का, मंडी कटुनी तीराई भैरतावा कोम यारता, इदी गेम यारू गेम आउंगेम का धारा में जैसा पुरने माचीच कर, इदी गेम यारू गेम आउंगेम का धारा में जैसा पुरने माचीच कर, हापट हापट बाजार तारा देही सुंदूर लेगे, हापट हापट बाजार तारा देही सुंदूर लेगे, इदी गे मारू गे आंगे का घर में जैसा पुराने माचीच कर, इदी गे मारू गे आंगे का घर में नागा पुराने माचीच कर, बाबा सके गा फाटल करिया बाबू के जूता मोजा, बाबा सके गा फाटल करिया बाबू के जूता मोजा, इदी गे मारू गे
होंगे मुका धारा में जैसा पुरानी माची जिगाए दीगे मारूगे होंगे मुका धारा में नागा पुरानी माची जिगाए नौर ढेबा को के लठा नौर ढेबा को के लठा दुनगी है काम होगे नौर ढेबा को दे लठा दुनगी है अमाड़ीगे इदी गेम यारू गेम आउंगे मका धरा में जैसा पुराने माची जिगाए गेम यारू गेम आउंगे मका धरा में नागा पुराने माची इन्ना ने को दे ठेंबा नार लठा ने मोखी अगर इन्ना नाम नम है पूजन विधि बदला छा दे यदि हम ख्रिस्ते का पूजन विधि में है लेकिन उसके बावजूद भी हमारा रहन सहन खान पान को दे ढेंबा आज भी हम बाजार जाएंगे तो सबसे पहले कोमरखा कोयनार साहब को खोजेंगे क्यों क्योंकि हमारा रहन सहन खान पान वही है फुटकर वही हमारे खान पान में रचा बसा हुआ है इसीलिए आज हमारे लिए जिस तरह से अभी हमने सुना हमको हमारे लोगों के द्वारा ही संविधानता के तहत हमको डिलीट करने की कोशिश की जा रही है तो हमको भी जागना है उठो उठो मसीहा बन के करो वक्त का इलाज उठो मसीहा बन के करो वक्त का इलाज कब तक मसीहा वक्त का ढूंढा करोगे तुम आज हमको अपने बीच में मसीहा बन के अपने लोगों को जगाना है और हमको जागना है और लोगों का संघर्ष में हमारा लीडरशिप करना है आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं हम धन्यवादित हैं आप दूर दराज जगहों से यहाँ उपस्थित होकर इन कठिन परिस्थितियों में आज हमारी इस ईसाई आदिवासी महासभा के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हो रहा है उसका आप मनोबल बढ़ा रहे हैं तो हमको न धूप न गर्मी न छांव कोई हमको टिका नहीं सकता है न संघर्ष न तकलीफें क्या मजा है जीने में तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा जीने में हमारा लक्ष्य है टेलिस्टिंग का विरोध करके हमको उस अनुसूची से जो बाहर करने की षड्यंत्रकारी कोशिश चल रही है उसका पुरजोर विरोध करना है आज जिस तरह से यहाँ हम एकत्रित होकर हम एक एक की बात सुने हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे ढंग से बखान करके बताया कि कोशिश की जा रही है कि डीलिस्ट करके उस सूची से असूचीबद्ध करके हमको उनकी सुविधाओं से दूर कर दिया जाए पहले भी हमने सुना हम आदिवासी हम लोग प्रकृति पूजक है हम देवी देवताओं की पूजा नहीं करते यदि हम प्रकृति पूजन को छोड़ के यदि हम हिंदू धर्म को अगर मान रहे हैं तो हमारा भी धर्मांतर हुआ है यदि वो चाहते हैं कि हमको डिलीट करके यदि चाहते हैं कि हमको आरक्षण से वो बेदखल कर दिया जाए तो मुगालते में है वो सब जो कि हमारी प्रकृति पूजन को छोड़ के जो दूसरा धर्म अपना रहे हैं वो भी डिलीट हो जाएंगे और उसका नतीजा क्या हो जाएगा तो आर्टिकल 342 कंडी का 2 के तहत हमको डिलीट किया जाएगा और उसके बाद जैसा भी हमने सुना यहाँ पर अनुसूची 5 और 6 हम अनुसूची 5 के अंतर्गत है कहाँ हमको वन अधिकार अधिनियम पेशा अधिकार अधिनियम है पेशा कानून है ये सारा चीज हमारा अलग हो जाएगा और उसके बाद हम मुगालते में हैं हमारे नेता लोग मुगालते हैं जो हमारा हमको 330 और 332 में जो हमारा आर्टिकल अनुच्छेद में है 330 में है हमारा लोकसभा के लिए आरक्षण 332 में है विधानसभा के लिए आरक्षण उसी तरह से अनुच्छेद 239 का धा में है हमारे जितने भी सरपंच पंच लोगों के लिए है कहने का मतलब यदि किया गया तो हमको ना तो पंच तक नहीं बन सकते इसलिए हमको इसका पुरजोर विरोध करना है और हम अपने ताकत का इजहार करना है क्योंकि वक्त हमारे पास कम इसलिए जागना है जागो मुसाफिर भोर भाई अब रैन कहां जो सोवत है सो खोवत है जो जागत है सो पावत है अवे और स्लीप एंड अराइज फ्रॉम द डेड आज हमको उठना है आगे बढ़ना है और हम सबके नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ के आज जो हमारा है मेमोरेंडम देना वहाँ दिया जाना अंत में आप सबको बहुत बहुत बधाई हमारे यहाँ पर के आयोजन कर्ता जितने हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई अंत में
किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है आज कर ले, वरना ये वक्त जा रहा है। इस जाते वक्त के साथ सबको जय जोहार।